हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारस गैराज। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है TVS रेडॉन के ऊपर जितनी दमदार ये बाइक दिखती है, क्या ये उतनी दमदार है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको एंड तक तो पता ही चल जाएगा कि ये दमदार है या ये बस इसका नाम है। तो दोस्तों, ऐसी कुछ देखने को मिलती है हमें TVS रेडियन की फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पर हमें वाइजर पे TVS की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलती है हेडलैम्प के अराउंड। हेडलैम्प हमें इसमें एलोजन बेस्ड बल्ब के साथ मिलता है। यहाँ पर हमें इसके एलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें मड गार्ड मिलता है, जो कि प्लास्टिक का है। हमें इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। हमें इसमें ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जिनका साइज़ है 190R17। हमें फ्रंट में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, जिनका साइज़ है 130mm। यहाँ पर हमें इसके टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्टर मिलता है। दूसरी साइड भी हमें सेम रिफ्लेक्टर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो दोस्तों, कुछ ऐसी देखने को मिलती है हमें TVS रेडियन की साइड प्रोफाइल, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर हमें TVS की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें रबर टैंक पैड देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा इसका इंजन बे देखने को मिलता है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 109.7 cc, मैक्स पावर 8.08 bhp, मैक्सिमम टॉर्क 8.7 न्यूटन मीटर ये इंजन जनरेट करता है। यहाँ पर हमें इंजन पे TVS की बैजिंग देखने को मिलती है रेड कलर की थीम के साथ। हमें इसमें 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें राइडर के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर ETFI टेक्नोलॉजी का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें रेडियन की बैजिंग देखने को मिलती है। हम इस कंपार्टमेंट को यहाँ से मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं की मदद से। हमें इसमें रियर सस्पेंशन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ मिलता है, जिसे हम 5 ways में एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। यहाँ पर हमें पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें प्लास्टिक में इसका चैन कवर मिलता है, जिसे कंपनी कोस्ट कटिंग ना करके मेटल का भी दे सकती थी। यहाँ पर हमें टायर प्रेशर के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें सारी गार्ड देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में एक नॉर्म है। यहाँ पर हमें ड्यूरा लाइफ का एक स्टिकर मिलता है। यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर हमें हेलोजन बेस्ड बल्ब के साथ टेल लैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें TVS का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इसका हेलोजन बेस्ड बल्ब के साथ टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हमें एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, इतना ही कुछ था रियर प्रोफाइल में। अब बाइक को और एक्सप्लोर करते हैं। कुछ ऐसी देखने को मिलती है हमें TVS रेडियन की राइट साइड प्रोफाइल, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी हमें ड्यूरा लाइफ का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें हुक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सामान लाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी मजबूत भी लगा मुझे ये। ऐसा कुछ हमें इसका रियर टायर देखने को मिलता है। रियर टायर भी हमें इसमें ट्यूबलेस ही मिलता है, जो कि 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ही आता है। रियर में हमें 110mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ऐसा कुछ हमें इसका एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हमें कवरिंग देखने को मिलती है एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके कारण से आपका पैर नहीं जलेगा। यहाँ पर हमें पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें रेडियन की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें ETFI टेक्नोलॉजी का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें TVS की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हमें दोबारा से रेड कलर की थीम के साथ TVS की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें किक स्टार्ट करने के लिए किक भी मिल जाती है। यहाँ पर हमें टीयर ब्रेक के लिए पैडल मिलता है। हमें इसमें 10 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिसे आप की मदद से आसानी से खोल सकते हैं। तो कुछ ऐसी हमें इसकी काफ़ी सिंपल सी की देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो कुछ ऐसा हमें इसका काफ़ी सिंपल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर ओडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे इकोनॉमी पावर मोड इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ से पता चलता है बाइक न्यूट्रल में है, गियर में है। ये इंडिकेशन तब ब्लिंक करते हैं जब हम पास देते हैं या हाई बीम पे हेडलैम्प्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे TVS का लोगो मिल जाता है।
यहाँ पे फ्यूल मीटर मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इंडिकेशन तब तक रहता है जब तक बाइक स्टार्ट नहीं होती है, बाइक में कुछ खराबी हो। यहाँ पे हमें एक वार्निंग लाइट मिल जाती है जो कि जब साइड स्टैंड डाउन हो तब जलती है। ऐसा कुछ हमें इसका लेफ्ट साइड हैंडल बार मिलता है। यहाँ पे हमें पास स्विच मिलता है, यहाँ पे हमें हाई बीम लो बीम करने के लिए स्विच मिलता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, यहाँ से हम हॉर्न बजा सकते हैं, यहाँ से हम हेडलैम्प्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं इजीली, यहाँ से हम बाइक को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाइयों कुछ ऐसा था TVS रेडियन का डिटेल रिव्यू। अब आप कमेंट में बताना आपको रिव्यू कैसा लगा। वैसे आप भी ये बाइक ले सकते हैं अगर आप 70,000 रुपये के प्राइस में कोई बाइक लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, और स्मॉल यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों अगर आप TVS का कोई भी व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं राजपूत TVS आदर्श नगर। आप जानते हैं यहाँ का एड्रेस मैम से। मैम राजपूत TVS पे विजिट करने के लिए एड्रेस नोट कर सकते हैं, A3GT करनाल रोड आदर्श नगर, नियर बाई मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 94 और 95। तो दोस्तों आप आ सकते हैं राजपूत TVS आदर्श नगर पे अगर आपको कोई TVS का व्हीकल लेना है तो। वैसे मैं यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, फिर आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं अगर आपको कोई TVS का व्हीकल लेना है तो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।